हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था कि क्या आप लोग रेडमी नोट 3 और रेडमी नोट 7 का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। और वहां पे आप में से 80% लोगों का वोट आया कि हाँ, हम लोग देखना चाहते हैं। उसके बाद आप में से कई सारे यूजर्स मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज किए कि वीडियो कब ला रहे हो, वीडियो कब ला रहे हो। तो टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग चुका है, तो आज हम फाइनली वो वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और आज हम लोग देखेंगे कि रेडमी नोट 3 में ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो अभी भी रेडमी नोट 7 में नहीं है, और रेडमी नोट 3 किस चीज़ों में आगे हैं रेडमी नोट 7 के मुकाबले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए पिंटेन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं इस दोनों ही फोन की प्रोसेसर के ऊपर। तो रेडमी नोट 3 में आप लोगों को मिलता है स्नैपड्रैगन 650 जो कि 128 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और उसी तरह रेडमी नोट 7 में मिलता है आप लोगों को स्नैपड्रैगन 660 जो कि सिर्फ 14 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और अगर आप लोग नंबर्स की बात करें तो नंबर्स देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ, सिर्फ 10 नंबर से ज़्यादा है। रेडमी नोट 3 में 650 है, 660 है रेडमी नोट 7 में, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। रेडमी नोट 7 का जो प्रोसेसर है लगभग 50% ज्यादा फर्स्ट आ रहा है Redmi Note 7 की प्रोसेसर के मुकाबले यहाँ पे विनर बन जाता है Redmi Note 7। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोनों ही फोन की GPU के ऊपर, तो Redmi Note 3 में आप लोगों को मिलता है Adreno का 510 और Redmi Note 7 में मिलता है आप लोगों को Adreno का 512। इसके बाद डिस्प्ले और डिस्प्ले साइज तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस दोनों ही फोन की पिक्सल डेंसिटी के ऊपर, तो Redmi Note 3 में आप लोगों को मिलता है 401 PPI और Redmi Note 7 में मिलता है आप लोगों को 409 PPI। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों फ़ोन को कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा था। मैं YouTube की वीडियोज़ देख रहा था, कुछ ऐसा भी वीडियोस वगैरह देख रहा था YouTube का, या फिर कुछ मूवीज़ वगैरह भी मैं देख रहा था। और वहाँ पे अगर मैं क्लियरली बताऊँ तो मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं मालूम पड़ा Redmi Note 3 और Redmi Note 7 का। लगभग सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे Redmi Note 7 का डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में और GPU के मामले में लगभग इक्वल हो जाता है इस दोनों ही फ़ोन। और अगर मैं बात करूँ कि सनलाइट में किस फ़ोन का ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छा है सनलाइट के अंदर, तो चलिए हम लोग टेस्ट वो भी कर लेते हैं सनलाइट के अंदर। और बाहर चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि किस फोन का ज्यादा विजिबिलिटी अच्छा है डेलाइट में। गाइज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस दोनों ही फ़ोन का जो ऑटो ब्राइटनेस मोड है इसे मैं ऑफ कर दूंगा और ब्राइटनेस को एकदम फुल कर दूंगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखे। सो गाइस, डे लाइट में तो आप लोगों ने देख लिया कि स्क्रीन विजिबिलिटी किसका ज़्यादा ब्राइट है, किसका अच्छा है। अब चलते हैं कैमरा सैंपल्स के ऊपर, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सबसे पहले डे लाइट की कुछ वीडियोस शॉर्ट्स, उसके बाद कुछ स्लो मोशन, उसके बाद कुछ यहाँ पे फोटोज़। तो आइए देखते हैं डे लाइट में किसका ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है कैमरा के अंदर। सो गाइज, अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फ़ोन की, बाय डिफ़ॉल् ट कैमरा का जो सेटिंग है यानी कि 1080p 30fps यही रेजोल्यूशन के साथ साथ में ये वीडियो शूट हो रहा है, और फ़ोन का जो ऑडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सॉरी सुनने को मिल रहा है, वो भी फ़ोन के इंटरनल माइक्स के साथ ही आपका जो ऑडियो है वो सुनने को मिल रहा है। उसके अलावा दोनों में किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है फ्रंट कैमरा में। तो आप लोगों को शायद अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि फ्रंट का जो स्टेबलाइजेशन है किस तरह से आप लोगों को मिल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा कौन किस फ़ोन में कितना ज़्यादा सेगी सा वीडियोस आ रहा है। सो गाइज, अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फ़ोन की रियर कैमरा के साथ में हो रहा है, और Redmi Note 3 जो कि एक पुराना डिवाइस है इसमें आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जबकि Redmi Note 7 में आप लोगों को डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। एक है आपका 12 मेगापिक्सल का और दूसरा है डेप्थ सेंसिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का। और दोनों ही फ़ोन में ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये 1080p 30fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे Redmi Note 7 में आप लोगों को 60fps का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और Redmi Note 3 में आप लोगों को कोई भी EIS यानी कि स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है वीडियो स्टेबलाइजेशन, जबकि आप लोगों को Redmi Note 7 में देखने को मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एकदम समझ में आ जाए कि किसका
क्वालिटी किस तरीके का बेटर है। तो नो डाउट यहाँ पे Redmi Note 7 का ही बेटर होगा क्योंकि इसमें आप लोग को EIS देखने को मिलता है। गाइज यहाँ पे कैमरा के मामले में नो डाउट Redmi Note 7 ही विनर बन जाता है। अगर मैं बात करूँ स्लो मोशन की, अगर मैं बात करूँ वीडियो क्वालिटी की, अगर मैं बात करूँ वीडियो की ऑडियो की, अगर मैं बात करूँ फोटो की, तो यहाँ पे सारे जगहों पे यहाँ पे Redmi Note 7 ही विनर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ फोटोज के अंदर देखा कि Redmi Note 3 का भी जो कैमरा है वो उतना यहाँ पे डाउनग्रेडेड नहीं है Redmi Note 7 के मुकाबले, यानी कि एकदम टक्कर तो नहीं दे पाता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक यहाँ पे टक्कर जरूर से दे पाता है Redmi Note 3 का कैमरा फोटोज के मामले में। तो गाइस अब चलते हैं लो लाइट में और देखते हैं लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस किसका बेटर है, Redmi Note 3 का या फिर Redmi Note 7 का। सो गाइस अब अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोनों कैमरा की फ्रंट कैमरा से हो रहा है और कोई भी यहाँ पे आसपास लाइट्स वगैरह नहीं है, बस जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है वही सारे लाइट्स वगैरह है। और अगर शायद आप लोगों को अभी भी मेरा जो चेहरा है वो भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो दोनों कैमरा जो है नाइट फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए नहीं है। और अगर आप लोग Redmi Note 7 में GCam इंस्टॉल करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं रात में भी, लेकिन हाँ वीडियो का क्वालिटी दोनों कैमरा में अच्छा नहीं है। सो गाइज अब अभी जो ये आप वीडियो देख रहे हो रियर कैमरा से हो रहा है दोनों कैमरे से, और शायद आप लोगों का भी अंदाजा हो गया होगा कि लो लाइट में किसी फोन का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। नोट 3 जो कि पुराना था उसका भी नाइट में फोटो या फिर वीडियोग्राफी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ Redmi Note 7 उतना अच्छा मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है। और इस तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो पीछे की तरफ पहाड़ है जबकि आप लोगों को पूरा अंधेरा अभी दिख रहा है, तो लो लाइट में कोई भी कैमरा अच्छा नहीं है। सो गाइज लो लाइट में भी आप लोगों ने देख लिया, और अगर मैं बात करूँ ये तो MIUI की कैमरा की बात हो गया, लेकिन यहाँ पे Redmi Note 7 में कैमरा 2 API एनेबल है, इसीलिए अगर आप चाहें तो गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद आप लो लाइट फोटोग्राफी और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। खास करके गूगल कैमरा का मुझे पसंद आया नाइट साइड वाला फीचर। जी हाँ, नाइट साइड वाला फीचर ऑन करते ही आप रातों में भी दिन का मजा एक तरफ से ले सकते हैं, दिन यानी कि पूरा सनलाइट में तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही हद तक आप लोगों को जो MIUI कैमरा में जो नाइट मोड मिलता है उससे कई गुना बेटर आप लोगों को मिलता है गूगल कैमरा की नाइट साइड फीचर्स के ऊपर। और Redmi Note 3 में कैमरा 2 API एनेबल नहीं है, अगर आप लोगों को इसे इंस्टॉल करना है तो अपने फोन को रूट करना होगा, इसके बाद ही आप Redmi Note 3 में गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो गाइज ये तो हो गया पूरा वीडियो, अब अगर मैं क्लियरली बताऊं तो नो डाउट यहाँ पे Redmi Note 7 ही विनर बन जाता है सारी चीजों के मामले में, क्योंकि Redmi Note 3 जो कि एक 3 साल पुराना फोन है, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो इसे जो है Redmi Note 7 को टक्कर अभी भी दे सकता है Redmi Note 3। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Redmi Note 3 हाँ बहुत जमाना हो गया इस फोन को लॉन्च किए हुए, कुछ हद तक यहाँ पे टक्कर जरूर से दे सकता है Redmi Note 7 को। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि Redmi Note 3 में है और Redmi Note 7 में नहीं है, वो है यहाँ पे नोटिफिकेशन LED का लाइट। जी हाँ, LED नोटिफिकेशन का जो लाइट है Redmi Note 3 में बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लॉक स्क्रीन में ही अगर मैं सेट करके रख देता हूँ कि किसी का अगर मिस्ड कॉल्स वगैरह आ जाता है तो मुझे रेड लाइट जो है नोटिफिकेशन ब्लिंक हो, उसी तरह से किसी ऐप का नोटिफिकेशन आए तो वहाँ पे मैं ग्रीन सेट कर देता हूँ, मैसेजेस आए तो वहाँ पे येलो सेट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो Redmi Note 7 में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक ही कलर का आप लोगों को सिंगल कलर व्हाइट कलर का LED यहाँ पे दिया गया है Redmi Note 7 के अंदर, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा खराब लगा है। लेकिन हाँ फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिलता था 2016 में 12,000 रुपये के अंदर, वही उससे कई गुना बेटर चीजें अभी हम लोगों को मिल रहा है 10,000 में
उससे बेटर। तो स्मार्टफोन्स का जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा। सो गाइस, ऐसा करता हूँ, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ा बहुत भी जानने को मिला होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपनी जी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।